हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल मोपट्रिक्स। तो दोस्तों, गूगल मैप ऐप का तो यूज आप करते ही होंगे कहीं भी आने जाने के लिए या फिर कोई भी लोकेशन को सर्च करने के लिए। डेली लाइफ में हमारे गूगल मैप तो काफ़ी यूज में आता है, लेकिन कितना अच्छा होगा कि अगर आप उसके कुछ और भी एक्स्ट्रा फीचर्स के बारे में जान जाओ, कुछ ऐसे हिडन फीचर्स, कुछ ऐसे हिडन सेटिंग्स जो कि शायद आप यूज नहीं कर रहे हैं, और शायद आप उनको जानने के बाद गूगल मैप ऐप को और भी अच्छी तरीके से यूज कर सकें और उसके बेस्ट फीचर्स को यूज़ कर सकें, जिससे कि आपकी लाइफ और भी ज़्यादा आसान हो जाए। तो आज आप ये वीडियो लास्ट तक देखिए, मैं आपको बताऊंगा गूगल मैप ऐप के 5 ऐसे बेस्ट हिडन फीचर्स जो कि शायद आप नहीं जानते हैं। तो चलिए दोस्तों, लास्ट तक ये वीडियो देखते रहिए, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे फीचर्स हैं जो कि नए वर्जन में है गूगल मैप ऐप के। तो अभी तक अगर आपने अपने ऐप को अपडेट नहीं किया तो प्ले स्टोर पर जाके अपडेट कर लो, ताकि आप नए फीचर्स का भी फ़ायदा उठा पाओ। तो पहला जो फीचर है वो है ग्रुप प्लानिंग का। अब ग्रुप प्लानिंग का फीचर मुझे काफ़ी बेस्ट लगा है, क्योंकि अगर मान लो कि मुझे एक ग्रुप प्लानिंग करनी है, जैसे कि मुझे रात को डिनर करने जाना है अपने दोस्तों लोगों के साथ, तो सबसे पहले मुझे होटल सेलेक्ट करना होगा कि कौन सी होटल में जाना है। तो आप क्या कर सकते हैं, इधर से जहाँ जो भी लोकेशन पे आप जा रहे हैं तो उस लोकेशन को यहाँ से डायरेक्टली फाइंड कीजिए और उस पर लॉन्ग प्रेस कीजिए, तो डायरेक्ट एक पॉपअप दिखाई देगा आपको इधर से, जिससे कि आप इसमें अलग अलग अपनी फेवरेट लोकेशन को सेव कर लीजिए। इधर से सेव करने के बाद आप इसको इधर से सेंड कर सकते हैं, अपने दोस्तों लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं, इसका कोई भी नाम रख दीजिए, फिर उसके बाद आप इसको शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों लोगों के साथ। फिर जब वो लोग इसको ओपन करेंगे तो उनको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, जहां से वो इसको लाइक कर सकते हैं, डिसलाइक कर सकते हैं, और जिससे कि आपको फाइनली मालूम पड़ जाएगा जिस पे ज़्यादा लाइक आएगा ऑब्वियसली आप उधर ही जाएंगे। तो इससे आप एक ग्रुप प्लानिंग कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो दोस्तों, अगला जो फीचर है कि अगर आप किसी भी प्लेस पे किसी भी लोकेशन का अगर आप फीडबैक देना चाहते हैं तो आप शॉर्टकट रूप से फीडबैक दे सकते हैं। सिंपली आप अपने मोबाइल को सेक करेंगे और आपको एक विंडो दिखाई देगा जहां से आप डायरेक्टली आप फीडबैक दे सकते हैं। तो इसको इनेबल करने के लिए आप अपने मोबाइल की सेटिंग में चले जाइए, इधर से आप सेटिंग में चले जाइए, फिर इधर देखिए आपको एक ऑप्शन मिलेगा सेक टू सेंड फीडबैक, ये बाय डिफ़ॉल्ट डिसेबल रहता है, इसको आप इधर से इनेबल कर दीजिए, जिससे कि आप किसी भी लोकेशन का फीडबैक शॉर्टकट रूप में दे पाएंगे। तो दोस्तों, अगला जो फीचर है ये भी एक शॉर्टकट है, जैसे कि अगर आपको अपनी लोकेशन से कोई दूसरी लोकेशन में जाना है तो आपको उधर से सर्च करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली उस लोकेशन पे ऐसा लॉन्ग प्रेस कीजिए और ये डायरेक्टली आपको इधर से बता देगा डायरेक्शन कि आपकी लोकेशन से वो लोकेशन तक का क्या रास्ता है। तो ये भी काफ़ी अच्छा फीचर लगा है मुझे, ताकि आपको कोई भी लोकेशन सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्टली इधर से लॉन्ग प्रेस करेंगे और आपको डायरेक्शन मिल जाएगा यहाँ से वहाँ का। तो दोस्तों, अगला जो फीचर है हमारा, जो चौथा फीचर है, वो उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छा है जो लोग बहुत ज़्यादा मतलब इधर उधर आते जाते हैं और इनका डेली का रूटीन होता है। जैसे कि मैं घर से ऑफिस और ऑफिस से घर जाता हूँ, कई बार ऐसा होता है कि जब मैं ऑफिस से निकलता हूँ तो भीड़ भड़ाका रहता है और मैं ट्रैफिक में फंस जाता हूँ। तो आप ये नए फीचर का फ़ायदा उठा सकते हैं, जिसका नाम है कम्यूट। अब इधर से आप क्या कर सकते हैं, आप का शेड्यूल सेट कर सकते हैं, जैसे कि इधर देखिए, इधर मैं कम्यूट पे जाता हूँ और सेटअप योर कम्यूट। अब आप अपना पिकअप पॉइंट सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि मेरा समझ लो होम हो गया। अब मैं अपने घर से ऑफिस जाता हूँ यहाँ पे, ओके। तो ये मेरा ऑफिस और घर का ये रूटीन हो गया। अब इधर से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, आप कार के थ्रू जाते हैं या फिर बाइक से जाते हैं, तो इधर मैं बाइक सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर उसके बाद नेक्स्ट, अब इधर आप टाइमिंग सेट कर सकते हैं कि 9 बजे निकलते हैं कि 10 बजे कि 11 बजे, जो भी आपका टाइमिंग है वो टाइमिंग सेट करने के बाद इधर आप अपना डे भी चूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट करके आप बस इसको फिनिश कर दीजिए। अब होगा क्या कि ये जो भी आपने टाइमिंग सेट किया है और आपके रूट में उस टाइमिंग के बीच में जो भी चीज़ें होती रहेंगी, जो भी हलचल होती रहेगी, ये आपको नोटिफिकेशन सेंड करते रहेगा कि अभी ट्रैफिक है, अगर आपको जाना है तो आप इस वाले रूट से जाओ, या फिर अभी इस रूट पे एक्सीडेंट हो गया है, जाम है, वगैरह वगैरह जो भी हलचल होती रहेगी आपको नोटिफिकेशन आते रहेगा, जिससे कि आप अपनी प्लानिंग अच्छी तरीके से कर पाएंगे। तो दोस्तों, हमारा जो लास्ट फीचर है वो है उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छा है जो कि ट्रैफिक में फंसे रहते हैं काफ़ी टाइम तक, और फिर उसके बाद उनको म्यूजिक सुनने का मन होता है तो वो अपने गूगल मैप को छोड़ते हैं, फिर जाते हैं म्यूजिक में, फिर जाते हैं म्यूजिक को ओपन करते हैं। तो अब ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गूगल मैप ऐप में ही आपको एक शॉर्टकट मिल जाता है म्यूजिक को डायरेक्ट प्ले करने का, ये एकदम लेटेस्ट फीचर है। तो आपको करना क्या होगा, इधर से सेटिंग में जाना होगा, सेटिंग में जाने के बाद इधर आपको नेविगेशन सेटिंग में जाना होगा, नेविगेशन सेटिंग में जाने के बाद इधर से आपको शो मीडिया प्लेबैक कंट्रोल का इधर
ये डिसेबल रहता है बाय डिफ़ॉल्ट, तो इसको इधर से इनेबल करना होगा, बस इधर से नेक्स्ट कर देना होगा। अब क्या होगा कि जब भी आप कोई भी प्लेस पे जाते रहेंगे तो वहाँ से जो भी आपका नेविगेशन पे आपको देखिए एक नया बटन दिखाई देगा म्यूजिक प्ले करने का। इधर से ये देखिए, जहाँ से आप डायरेक्टली कोई भी म्यूजिक को प्ले कर सकते हैं। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा और फीचर लगा है, शॉर्टकट फीचर है, और इधर से म्यूजिक को ब्राउज भी कर सकते हैं, तो काफ़ी अच्छा फीचर है। तो दोस्तों ये थे 5 बेस्ट फीचर्स जो कि आप यूज कर सकते हैं गूगल मैप ऐप में। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर दो अपने दोस्तों लोगों के साथ, और ऐसे ही मोबाइल से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए, मोबाइल ऐप्स के लिए और भी बहुत सारी टेक्नोलॉजी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि आपने सब्सक्राइब किया है तो बेल आइकन भी हिट कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले और भी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। गुड डे एंड टेक केयर।